हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब जंक्शन पावर्ड बाय गेट एकेडमी। आज के इस वीडियो में जोरदार वैकेंसी की डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। एमपी पीबी की तरफ से मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने वैकेंसीज रिलीज की हुई है। 3435 सीटें यहां पर आई हुई है। बहुत सारे अलग अलग सेक्शंस जो हैं उसमें ये वैकेंसीज एप्लीकेबल होने जा रही है, तो मजा आएगा पूरी की पूरी डिटेल सुन करके आपको। तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में और इसके कंप्लीट डिटेल्स जानने के लिए। तो चलिए देखते हैं पूरी की पूरी डिटेल फ्रॉम एमपीपीबी। एमपीपीबी ने जो वैकेंसी निकाली है रिक्रूटमेंट 2022, 3435 ग्रुप थ्री के पोस्ट जो है वो यहाँ पर एप्लीकेबल है। पूरी डिटेल आपको मैं बता देता हूँ। पोस्ट जो है 1 अप्रैल को आ चुकी है, यहाँ पे ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है। मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड जो है उसने यहाँ पर वैकेंसी निकाली है फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंजीनियर, ड्राफ्ट्समैन और डिफरेंट अलग अलग जो सेक्शंस हैं उसकी वैकेंसीज के लिए। ठीक है, इसकी बाकी की मैं डिटेल आपको बता दूँ जल्दी से। स्टार्टिंग डेट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का वो है 9 अप्रैल 2022, यानी कि राइट अवे फ्रॉम 9th of April आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर। वहीं आपको लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन जो है वो मिलता है 23 अप्रैल 2022 का। तो 23 अप्रैल से पहले आपको फाइनल एप्लीकेशन जो है फिलअप कर देना होता है इसका। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की डेट जो है वो भी टेंटेटिव यहाँ पर मैंशन है, दैट इज 6th of May 2022, यानी कि 6 मई 2022 जो है वो एक टेंटेटिव डेट हो सकती है फॉर इट्स प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। एज लिमिट की अगर मैं बात करूं तो एज लिमिट यहां पे 18 से 40 साल जो है वो एप्लीकेबल हो जाती है। वहीं रिजर्व कैटेगरी के लिए ये एज लिमिट 45 साल तक भी जाती है। वैकेंसी डिटेल की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं कि सब इंजीनियर सिविल के लिए यहां पे काफ़ी ज़्यादा सीटें आई हुई है। 1748 सीटें सब इंजीनियर सिविल के लिए है, जिसकी क्वालिफिकेशन जो है डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग मैंडेटरी हो जाता है। वहीं अगर मैं सब इंजीनियर एग्जीक्यूटिव की बात करूं तो 22 सीटें यहां अवेलेबल है। सब इंजीनियर इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल के लिए अगर मैं बोलूं तो 273 सीट्स यहां पर एप्लीकेबल हो जाती है। इसके लिए भी आपका डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल या फिर डिप्लोमा इन मैकेनिकल जो है वो होना मैंडेटरी है। डेप्यूटी मैनेजर की पोस्ट अगर मैं बताऊं तो 71 सीटें यहां पर अवेलेबल है। डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग यहां पर मैंडेटरी कंडीशन है। कार्टोग्राफर की अगर मैं बात करूं तो 10 सीटें यहां पर है। 10+2 का क्वालिफिकेशन जो है वो यहां मांगा गया है। सब इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर मैं बात करूं तो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स मैंडेटरी है, जिसकी 60 सीटें आई हुई हैं। असिस्टेंट मैनेजर की भी पोस्ट है, हाई स्कूल यहाँ पे क्लियर किया जाना जरूरी है और 4 सीटें जो है वो यहाँ पर गिवन है। वैसे ही सब इंजीनियर मैकेनिकल जो है वो भी अलग से एक पोस्ट भी अलग से मेंशन है यहाँ पर, दैट इज डिप्लोमा इन मैकेनिकल मैंडेटरी कंडीशन। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस फॉर्म अगर आप फिलअप करते हैं इसका तो अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट जो है वो 500 रुपीज़ का फॉर्म जो है वो फिलअप करेंगे। SC ST PWD कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए इट इज 250 रुपीज़ और अदर कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए इट इज नॉट हैविंग एनी चार्जेस। तो ये इसके पूरे के पूरे डिटेल थे, है ना। दिस वॉज ऑल एंटायर डिटेल। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, उसके थ्रू आप ये पूरी की पूरी वैकेंसी का डिटेल जो है वो देख सकते हैं। और 9 अप्रैल के बाद चूंकि फॉर्म फिलअप शुरू हो जाएगा तो आप फॉर्म भी फिल कर पाएंगे। तो ऐसे ही और लेटेस्ट जॉब अपडेट्स के लिए बने रहेगा हमारे इस चैनल पर, आपको यहाँ पे सबसे फास्टेस्ट जॉब अपडेट मिलता रहेगा। टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू वेरी मच।